ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रिमास्टर्ड के एकदम आखिरी एपिसोड के अंदर, और आज हम लोग पकड़ने जा रहे हैं मैक्रोफ को, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि मैक्रोफ जो है गाड़ी में बैठ के भाग रहा है, और यहाँ पे इसके काफी सारे बंदे ट्रक में बैठ के आ चुके हैं हम लोगों को रोकने के लिए, मगर हम तो नहीं रुकने वाले भाई। तो जो मैं कह रहा था कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मैक्रोफ जो है भाग रहा है गाड़ी में बैठ के, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा होगा, उससे पहले हम लोग जो है उसको पकड़ने वाले हैं। तो देखते हैं कितना हमारा मिशन जो है आज सक्सेसफुल होता है या फिर हम मर जाते हैं। ओ भाई साहब, ये लोग भी भाई मार मार के मेरा पिछवाड़ा जो है पूरा लाल बना दिया है, मगर मैं नहीं रोकने वाला, क्योंकि इनको मारने के बाद ही जो है हम लोग मैक्रोफ के पास पहुँच सकते हैं। और हम लोग एक टनल के अंदर आ चुके हैं, और सामने वाला ट्रक भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है बिल्कुल, मगर वो पीछे वाला ट्रक भाई बच गया। कैसे बच गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पे लगातार हमला कर रहा हूँ इनके ऊपर, क्योंकि मैक्रोफ को आज हमें पकड़ना ही होगा। तो गेम का आज आखिरी एपिसोड है, अंतिम एपिसोड। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रिमास्टर्ड के अंदर। बिल्कुल, तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। वैसे मेरा गन के एमोज भी भाई ख़त्म होने वाले हैं, और ये चॉपर क्या हमारा है क्या भाई? मुझे तो नहीं लगता ये चॉपर मेरा है, ये चॉपर हमारा नहीं है, ये चॉपर उनका ही है। ओ भाई साहब, ये कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है भाई। वो क्या ब्लास्ट हुआ, सही है। और ये पीछे चॉपर आ रहा है भाई साहब, ये पीछे चॉपर आ रहा है। वो क्या बचा, आरपीजी, चलो आरपीजी मिल गया मुझे, आरपीजी मेरे लिए रखा था यहाँ पे। कौन कौन मार रहा है यहाँ पे मुझे? ओके, आरपीजी, 3, 2, 1, बच गया, बच गया भाई। ये आरपीजी से उसको मारना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये आरपीजी जो है लॉक्ड आरपीजी तो नहीं है, सीधा जाता है भाई। और मारो, अभी मैं ही मर जाता भाई, मेरे आरपीजी से मैंने मारा जो आरपीजी वो टनल में लग गया, वो देखो वो पिलर में लग गया, तो मुझे ही डैमेज हो गया था। चलो भाई, चलो चलो चलो, क्या हो रहा है वो? ये वाला गाड़ी क्या हमारा है? हाँ हमारा ही है, हमारा ही है। ऑलराइट, एक ही और रॉकेट बचा है, मगर मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। सामने एक और बार आ चुका है भाई चॉपर, इसको सही टाइम से मारना पड़ेगा। 1, 2, 3, बच गया भाई, बच गया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो 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 गाइस, चलो। हो, उसने सामने का पुल तोड़ दिया भाई। जिंदा हूँ या मर गया? नहीं नहीं नहीं, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ भाई। ये देखो खून पड़ा है मेरा खुद का। सामने वाला ब्रिज जो है वो चॉपर ने पूरी तरीके से यहाँ पे भाई एकदम ख़त्म कर दिया है, और हमारे गाड़ी, ये देखो गाड़ियाँ सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है भाई। हमारे दोस्त कहाँ है? मुझे जाना किस तरफ है? सीधा जाना पड़ेगा। वो कौन है? कैप्टन प्राइस। भागना है क्या यहाँ पे? भागना होगा, भागना होगा। चलो चलो चलो, ये ब्रिज जो है टूटने वाला है, मैं यहाँ पे चढ़ जाता हूँ। और ओके, कैप्टन प्राइस, मुझे गन वापस मिल चुका है। और यहाँ पे सामने, आई थिंक सामने जो दुश्मन है वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, वो गाड़ियों में से आ रहा है। ये देखो भाई, मैक्रोफ कहाँ पे है? मैक्रोफ कहाँ पे है? उसका पूरा कॉन्वॉय यहाँ पे है, मगर मैक्रोफ कहाँ पे है भाई? मैक्रोफ को जल्दी बुला, उसको पकड़ना है हमें, क्योंकि गेम के एकदम आखिरी मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। तो ये वाला गेम का सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग इसके अगले पार्ट्स, मतलब ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी 1 है, 2, 3 ये चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने का। वैसे यहाँ पे बंदे काफ़ी सारे आ चुके हैं, ये देखिए हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पे उतर रहे हैं, क्योंकि मैक्रोफ भाई यहीं आसपास कहीं पे होगा। वो ग्रेनेड, ग्रेनेड, ये मेरा ही था भाई, ये मेरा ही था। मैंने सोचा कि उनका फेंक रहा हूँ। चलो कोई, कहाँ कहाँ कहाँ, एक और ग्रेनेड फेंका यहाँ पे। भाग 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 भाग, चलो सही है, सही है भाई, सही है भाई। एक और चॉपर यहाँ पे, एक और, फिर से ब्लैक स्क्रीन, मतलब कोई यहाँ पे कुछ होने वाला है आई थिंक। और ये मेरा दोस्त, ओके, तो मैं अब लगता है कुछ ज़्यादा ही घायल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे को साथ ये घसीटते हुए लेके जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़ोर का लगा है भाई, बहुत ज़ोर का। तो ये, इसके पास गन नहीं है भाई, एक पिस्टल ही है सिर्फ, और पिस्टल से फायरिंग करते करते भाई इसका रिलोड पड़ गया यार पिस्टल। ओ अच्छा, गन था, बढ़िया है, सही बात है, क्योंकि एक हाथ से तो वो गन चला नहीं सकता, दोनों हाथ की ज़रूरत है। एक हाथ से उसने मुझे खींच रहा था भाई। ओ शेट यार, इसको गोली लग गया, गोली लग गया यार।
किधर इधर भी भाई कैप्टन प्राइस पड़ा है, मतलब हम सब यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। क्या मर जाएंगे या क्या होगा कुछ नहीं पता, मगर सामने से मैक्रोव आ रहा है यार, मुझे दिख रहा है, और ये वाला चॉपर उसी का है। शेट, गैस गैस गैस, नो यार गैस को यहाँ पे मार दिया मैक्रोव। देखो हमने जो यहाँ पे स्नाइपर से शॉट किया था उससे उसका हाथ जो है वो टूटा है, वो बच गया। और ये चॉपर किसने फोड़ा भाई, हमारे बंदे, ये चॉपर हमारा है, बिल्कुल ये चॉपर हमारा है। और कैप्टन प्राइस, अच्छा तो कैप्टन प्राइस ने मुझे ये गन दिया है और इसी पिस्टल से उसका टकला फोड़ूंगा, टकले पे शॉट और खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। और भाई साहब हो गया मिशन, हमारा जो मिशन था भाई मैक्रोफ को मारने का वो मिशन हो चुका है पूरा। और फाइनली क्या होगा पता नहीं, मैं जिंदा हूँ या मर जाऊँगा मुझे नहीं पता, मगर ये ऊपर वाले जो चॉपर से ये हमारे हैं और यहाँ से हमारे बंदे जो है अब नीचे आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं भाई जो मिशन के बाद आते हैं पता नहीं, काफ़ी सारे बंदे हैं यार, मैं मुझे लगा कि दो तीन होंगे। कौन है ये, कैमरोव, वो इतने देर क्यों लगा दी दोस्त। ऑलराइट तो भाई मिशन हो चुका है ख़त्म, गेम हो चुका है ख़त्म। तो अगर भाई गेम प्लेयर्स अच्छे लगे आप लोगों को इस सीरीज़ के, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इसके बाद के जो गेम्स हम खेलेंगे उसके वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। और कैप्टन प्राइस को यहाँ पे CPR दिया जा रहा है, पता नहीं उनका हार्ट बीट चल भी रहा है या बंद हो गया, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कैप्टन प्राइस बहुत ही ज़्यादा जबाज सोल्जर है। तो दोस्तों फाइनली हमने गेम को कर दिया है कम्प्लीट, अगर गेम प्लेज अच्छे लगे तो बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके किसी एक और नए गेम प्ले के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी 2 या 3, ज़रूर कॉल ऑफ ड्यूटी 2 ही आएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर आपको ये वाला मिशन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर के वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो को, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पूरा प्लेलिस्ट दिया है, आप जाके वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हो।